कल से गणेश उत्सव की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में महाराष्ट्र में गणेश उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में मुंबई में भी गणेश उत्सव की काफी ज्यादा रौनक जो है वो नजर आती है। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद है और मेरे पीछे आप जो प्रतिमा देख रहे हैं वो अंधेरीचा राजा की प्रतिमा है। ये 8.5 फुट की प्रतिमा जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी ज्यादा सुंदर तरीके से जो है इस पूरी प्रतिमा को जो है वो बनाया गया है। और साफ तौर पर यहाँ पर अंधेरीचा राजा का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक भव्य सा शिवाजी का जैसे दरबार लगता था, वैसे ही यहाँ पर अंधेरीचा राजा का दरबार जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं एक बड़ा सा झूमर जो है वो गणपति बापा के ऊपर आपको साफ तौर पर नजर आएगा और यहाँ पर पूरे दरबार जैसा दृश्य आपको नजर आएगा। मूर्ति को काफी सुंदर तरीके से बनाया गया है, लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो लिखे गए हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सा बैनर देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पंडाल में छोटे कपड़े पहनकर आने की अनुमति नहीं है। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो साफ तौर पर यहाँ पे ये लिखा है कि हाफ पैंट्स एंड शॉर्ट स्कर्ट्स नॉट अलाउड, यानी कि जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर आएंगी उन्हें यहाँ पर अंदर आने नहीं दिया जाएगा, वहीं जो लड़के शॉर्ट पैंट्स पहनकर आएंगे उन्हें यहाँ पर अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट ड्रेस एक लड़की ने पहना है, उस पर साफ तौर पर क्रॉस का मार्क किया है, वहीं दूसरी लड़की ने पूरे पैंट पहने हैं तो उस पर टिक किया है, वहीं वैसे ही एक लड़के ने पूरा पैंट पहना है तो उसे टिक किया है, वहीं एक लड़के ने छोटे पैंट पहने तो उसे क्रॉस किया है। यानी कि यहाँ पर जो है पूरे कपड़े पहनकर ही भगवान के दर्शन जो है वो करने मिलेंगे। लेकिन वो आपको बता दें कि निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी भक्त यहाँ पर अंधेरीचा राजा के दर्शन करने आएंगे उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। अगर कोई भी भक्त स्कर्ट या शॉर्ट्स पहनकर आते हैं तो उनके लिए एक अलग से काउंटर बनाया गया है जहाँ पर उनके लिए धोती और स्कर्ट यानी कि लॉन्ग स्कर्ट की व्यवस्था की गई है। वही साथ में एक छोटा सा चेंजिंग रूम जो है वो उनके लिए रखा गया है ताकि जो भी लोग छोटे कपड़े यहाँ पर पहनकर आए वो वहाँ से धोती या स्कर्ट ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके बाद ही वो भगवान के जो दर्शन है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ पंडाल के एक ट्रस्टी जो है उदय जी वो मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर कई सालों से अंधेरीचा राजा की स्थापना की जाती है, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं, तो उसके बारे में आपसे जानकारी कि क्या दिशा निर्देश आपके तरफ से दिए गए। पहले तो न्यूज़ 18 की सभी गणेश भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। गणेश उत्सव का कल से बड़ा सबसे बड़ा पर्व महाराष्ट्र का शुरू होने जा रही है। तो आज़ाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति अंधेरीचा राजा ये मंडल 15 साल पहला एक यहाँ पर रूल्स बनाए गए थे कि जो 13 साल के ऊपर के जो लड़के हैं या लड़का जो भी मिनी शॉर्ट्स पहन के आते या स्लीवलेस पहन के आते उनके लिए वहाँ पर हम कपड़े अलग से रखे, लुंगी और ट्रैक पैंट रखे हुए, तो उसको डालकर यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो दबके रखना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई एक ऐसा सिटी है, बहुत एडवांस सिटी है, यहाँ पर बहुत एडवांस लोग आते हैं, एडवांस और ये इलाका भी बॉलीवुड के सही सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को नज़र करते हुए यहाँ से एक अच्छा मैसेज पूरा देश को हम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो संस्कृति है उसको आप दब के रखिएगा। जब भी पूरा मुंबई में बड़े बड़े पंडाल्स हैं उसमें से एक ही हमारा जो पंडाल है, इसमें मुहिम में हम लगे हुए लास्ट 15 साल से, आज का अगर दिन में हम देखते तो देश की अलग अलग जो बड़े बड़े मंदिर्स हैं उन्होंने ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं। और रिसेंटली हमने देखा है कि सीडी का साईं बाबा का जो ट्रस्ट है उन्होंने ये रूल्स को कंपलसरी किया है। तो कहाँ यह मैसेज तो जारी है गणेश उत्सव का त्यौहार का जैसे हमारा मंडल का तरफ से कि लोगों को जब भी मंदिरों में जाते हैं या चर्च में भी आजकल क्रिश्चियन लोग में भी ये रूल्स आए और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी अपने आप को बराबर दब के आते हैं। तो बोलना यही है यहाँ पर कोई रिलीजियस नहीं है, इसका भी जो कोई राजनीति नहीं है, अपने आप को अच्छा ड्रेस में और अच्छे तैयार करके ट्रेडिशनल ड्रेस में आप आइए या आप क्योंकि विविध प्रांत से लोग यहाँ पर आ रहे थे, अलग अलग स्टेट से आते हैं लोग, अलग अलग देश में भी लोग आते हैं गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए। अगर किसी को पता नहीं है उनको हम निराश तो नहीं करेंगे, उनके लिए हम वहाँ पर सिक्योरिटी एक बॉक्स है हमारा, वहाँ पर हमने लुंगी और ट्रैक पैंट रखा हुआ है, वो चीज़ को पहन कर यहाँ पर बप्पा का चरण छूने का दर्शन हम जरूर देंगे।
तो यहाँ पर क्या कोई चेंजिंग रूम भी रखा गया है कि जो लोग, जैसे कि आपने बताया कि मिनी स्कर्ट शॉर्ट्स या जो पहनकर आते हैं, तो आपने लुंगी और बाकी चीजों की व्यवस्था की हुई है, तो क्या कोई चेंजिंग रूम और सारी चीजों की व्यवस्था भी की गई कि कोई भी भक्त जो है वो निराश होकर यहाँ से उल्टे पैर ना जाए? नहीं, यहाँ पर हम लोग का जिम है वो बंद रहता है पूरा। जो गणेश उत्सव का त्यौहार का टाइम है, यहाँ पर हमारा हॉल है अंधेरी का राजा का, तो वहाँ पर हम जो चेंजिंग जिसको करना है ड्रेस में, तो वहाँ पर वो लोग ड्रेस चेंज कर सकते हैं। हमारा वीआईपी कक्षा भी लगती है वहाँ पर, तो अलग अलग जगह है, हमारे पास सफिशियंट प्लेस है कि लोगों को कम्फर्टेबली यहाँ फील करे, यहाँ पर जो भी आए निराश ना हुए, बप्पा का दर्शन जरूर करे और जो भी मन्नतें हैं वो पूरी हो। और कल से एक ही गूंज जो महाराष्ट्र में और मुंबई में सुनाई देगा, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया जी। लेकिन ये जो आपका बैनर है वो हर साल इसी तरीके से यहाँ पे लगता है, ये रूल्स मतलब आप काफी सालों से जो है वो फॉलोअप कर रहे हैं। वहीं आजकल कुछ मंदिर में अभी से 3-4 महीने से लगातार हो रहा है कि ड्रेस कोड का जो पालन है वो लोगों को करना चाहिए, और एक जो आप बता रहे कि भारत की संस्कृति है वो लोगों को फॉलो करना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहें? जरूर, क्योंकि ये जो एक हमारा जो बैनर इसके लिए लगती है कि लोग ये नहीं बोलते कि आपने किधर हमें बोला है, कहाँ पर बैनर कुछ लगाया है, आपने तो कुछ नहीं लगाया, तो हम लोग बैनर यहाँ पर लगा देते हैं। और ये अच्छी बात है क्योंकि बड़े बड़े जो मंदिर है, आप अगर साउथ में कोई भी मंदिर में जाए, बड़े बड़े मंदिर है, हिस्टोरिकल टेम्पल्स है, वहाँ पर ये जो रूल्स है ये कंपल्सरी है कि आपको अपने आप को रखे जाना चाहिए। बहुत जो साउथ में आप जाएंगे वहाँ पर लोग ज़्यादा लेडीज जो है वो साड़ियाँ पहन के जाती है, जो आदमी है वो लुंगी और शॉल का ऊपर जाते हैं। हाँ। तो संकेत यही है, हिंदुस्तान का जो संस्कृति है, और ये बार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा होया करते छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जो किला हमने बनाया है, तो हिंदुस्तान की ये जो संस्कृति है, और शिवाजी महाराज जो हिंदू जो राजा थे उनका भी जो हिस्ट्री है वो जरा हम रिकलेक्ट कर रहे हैं यंग जनरेशन के साथ। ये गणेश उत्सव का तरफ से, हमारा तरफ से जो भारत का तमाम जो यंगस्टर है उनके लिए एक तोहफा है गणेश उत्सव का, जिसमें बप्पा का भी दर्शन हो और ये किला का भी दर्शन हो जी। आपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि 350 साल पूरे हो रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक को, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा अंधेरी चाय राजा के लिए बनाया गया, तो थोड़ा हमें साफ तौर पर धीमी गति पे बताया कि किस तरीके का पूरा आप लोगों ने कॉन्सेप्ट और पूरा सेट जो है वो बनाया? एक्चुअली ये जो पिछले जो गणेश उत्सव हुआ था तभी हम लोग ने लक्ष्मी विलास पैलेस बनाया था, तो लास्ट टाइम ही हमने डिसाइड किया था कि अगले साल हमको ये रायगढ़ किला बनाना है, क्योंकि 350 साल हो रहे हैं राजाभिषेक का छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो हमारा जो आर्ट डायरेक्टर है धर्मेश शाह और आर्किटेक्ट अशोक राणे, उन्होंने पूरा इसको डिज़ाइन किया है, वहाँ पर विजिट किए हैं, परमिशन लेके वहाँ का शूट किया है, और एक एक चीज़ जो बारीक से चीज़ है उसको कॉपी किए हैं। इसको पूरा फाइबर बना है, प्लास्टर एंड पेरिस से नहीं बना है, फाइबर में बना है। इसका लाइफ 15 साल से ज़्यादा इसका लाइफ है, ये रीयूजेबल है, सब हर चीज़ रीयूजेबल है, और इसमें कम से कम 40 लोग काम कर रहे हैं दिन रात जो बनाने में। एक 4,000 स्क्वायर फीट में पूरा बना हुआ है, और जो झूमर है और जो रानियां रहती थी तभी माहौल में जो शिवाजी महाराज का, उसको भी पूरा बारीक में से पूरा अलग अलग इसमें दिखाया गया है पूरा ऊपर से। तो आप हर चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, जो नगाड़ा है वो लगा है यहाँ पर, जो शिवाजी हाथी लगा हुआ है बाहर, तो हर एक राजमुद्रा लगा हुआ है दोनों साइड से। तो हर चीज़ जो शिवाजी महाराज का किले में है, जो जो प्रजा जो रहती थी उनका, जो सैन्य सब रहते थे, उनका मंत्री रहते थे, उनको पूरा यहाँ पर दिखाई दरबार में दिखाई दे रहे हैं। तो हर एक चीज़ को बारीकी से इसको कॉपी किया हमने जी। तो मतलब पूरे दरबार हम कह सकते हैं कि अंधेरी चाय राजा का दरबार जो है वो यहाँ पर सजने वाला है। हर छोटी छोटी बारीकियों पे आपने ये क्या, कितना दिन लगा इस पूरे पंडाल को बनने के लिए, और किन छोटी छोटी चीज़ों पर आपने ध्यान दिया, क्योंकि हम साफ तौर पर देख सकते हैं कर्टन जो है वो भी उसी तरीके से लगाए गए हैं, पूरा दरबार का सेटअप किया गया। आपने रानियों के बारे में बताया कि रानियां ऊपर खिड़कियों पे बैठा करती थी और पूरे दरबार को देखती थी, तो कितनी बारीकियों से चीजों को देखा है आपने? क्योंकि जब भी हमारा आर्ट डायरेक्टर और आर्किटेक्ट जो गए हैं वहाँ पर, उन्होंने उनसे परमिशन हर चीज़ का, हर चीज़ एक एक बारीक चीज़ देखा है कि उनका पर्दा कैसा होगा, और रानी उनसे बात भी होते थे, रानी लोग खिड़की से कैसा, जो राज दरबार जब शिवाजी महाराज वहाँ पर बैठे रहते थे, जैसा जो मंत्री है उनका कैसे सजेशन करते थे, क्या उनका मुद्दा उठाते थे, अलग अलग मुद्दा रहता था शिवाजी महाराज का सामने, तो ये सब हर चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखा। और सब चीज़ जो भी दिखाई देगा यहाँ पर छत्रपति शिवाजी रायगढ़ किले में, वो यहाँ पर पूरा हमने कॉपी किए, और शिवाजी महाराज को हम लोगों सबके दिल में उतरने का कोशिश कर रहे हैं गणेश उत्सव में। तो मुझे तो लगता है कि हर गणेश भक्त यहाँ पर जो आएंगे कल से पधारेंगे, उनको जरूर पसंद आएगा ये किला जी।
तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अंधेरीचा राजा का पूरा सेटअप जो है वो रायगढ़ के किले की प्रतिमा की तरह जो है वो बनाया हुआ है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं जैसे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर एक सिंहासन पर बैठा करते थे, वैसे ही यहाँ पर गणपति बापा को जो है एक बड़े सिंहासन पर जो है वो बैठाया हुआ है। और यहाँ पर पूरी आप देख सकते हैं कि पूरे रायगढ़ किले की जो है वो कॉपी करने की यहाँ पर कोशिश की है। सारी छोटी छोटी बारीकियों पर जो है वो नजर यहाँ पर डाली गई है। कर्टन्स जो है वो लगाए गए हैं, वहीं पे जैसे पुरानी रानियां जो हैं वो ऊपर खिड़कियों पे बैठा करती थी, तो वैसे यहाँ पर रानियों की तस्वीरें जो हैं वो लगाई गई हैं कि किस तरीके से जो रानियां जो खिड़की पर बैठा करती थी और पूरे प्रजा को देखा करती थी, तो वैसे सारी छोटी छोटी बारीकियों पर जो है वो यहाँ पर नजर डाली गई है। झूमर आप देख सकते हैं, काफी बड़े बड़े झूमर, अलग अलग आकार के जो झूमर है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। प्रजा की तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गणपति बापा का जो राज्य दरबार है वो यहाँ पर लगने की पूरी व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। और इनका मानना यही है कि कल से जो भी लोग आएंगे उन्हें ये पूरी जो सेटअप है वो काफी ज्यादा पसंद आएगा। वही यहाँ पर लोगों को ड्रेस कोड का भी पालन करना काफी ज्यादा अनिवार्य है। यहाँ पर हर साल इसी तरीके के बैनर लगते हैं जिसमें साफ तौर पर ड्रेस कोड का पालन लोग करें, इस पे काफी ज्यादा जोर डालते हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति का पालन हर किसी भक्त को जो है वो करना चाहिए। और ऐसे में इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि कोई भी भक्त निराश होकर अपने घर वापस ना जाए। तो ऐसे में गेट के एंट्रेंस पे अगर आप नजर डालें, अभी तो काफी ज्यादा चीजें बन भी रही हैं, तो गेट के एंट्रेंस पे ही जो अलग अलग पोडियम बनाए गए हैं जहाँ पर धोती और बाकी चीजों की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो जो भी भक्त जो है वो मिनी स्कर्ट शॉर्ट्स या कुछ पहनकर आते हैं उन्हें वहां से धोती ले सकते हैं या कोई बड़ा स्कर्ट ले सकते हैं। और अलग से चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी की गई है ताकि वो वहां पर जाकर चेंजिंग रूम में कपड़े बदल लें, उसके बाद ही भगवान के दर्शन लें। आप अभी भी देख सकते हैं पूरी तैयारियां जो है वो चल रही है। वहीं जैसे कि हमने आपको बताया कि रायगढ़ की तरफ फोर्ट पूरा बनाने की कोशिश की, तो बाहर आपको दो हाथी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। वहीं बाहर जो है रायगढ़ का किले की पूरी प्रतिमा जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि रायगढ़ के किले की तरह ही यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। बाहर दो हाथी जो है उन्हें रखा गया है। वहीं सारी चीजों का पालन जो है वहां किया गया। हमेशा से जब भी किसी का भी स्वागत होता था तो ढोल नगाड़े जो है वो एंट्रेंस पे रखे गए थे, तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े ढोल और ताशे जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएंगे। तो पूरे रायगढ़ की तरह जो है इस पूरे गणपति बापा के राज्य दरबार को जो है वो बनाया गया है। हर छोटी छोटी बारीकियों पर जो है वो काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। चाहे वो ऊपर आप देख सकते हैं कि कलरफुल एक पूरी चादर जो है वो लगाई गई है, कर्टन्स लगाए गए हैं, और पूरा रायगढ़ की किले की तरह जो प्रतिमा जो है वो यहाँ पर इनका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया गया है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का 350वां राज अभिषेक है, तो उसी को कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर अंधेरीचा राजा का दरबार जो है वो यहाँ पर सजेगा। और ऐसे ही लोग यहाँ पर जब दर्शन करने आएंगे तो उन्हें ड्रेस कोड का भी पालन करना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें भगवान के दर्शन भी करने मिलेंगे। तो ऐसे में कल से गणपति बापा का आगमन होने वाला है और ऐसे में मुंबई में भी तैयारियां काफी जोरों शोरों से हो रही है। लेकिन अंधेरीचा राजा जो यहाँ पर विराजमान होते हैं, यहाँ पर कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिसका भक्तों को पूरी तरीके से पालन भी करना अनिवार्य है।